दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज उसी पार्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार से और सम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रखे हैं, चार क्वेश्चंस जो कि एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को कंटेन कर रहा है तो वो सम, लेकिन यहां पर बोल रखा है सम ऑफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स आर इन एपी। अगर आपको तीन नंबर्स या चार नंबर या पांच नंबर कोई पर्टिकुलर नंबर्स अगर एपी में कंसीडर करने हो तो यूं तो अपन क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड अपीयरेंस लेते हैं कि भैया हमारा फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है अगर कॉमन डिफरेंस डी है, तो थर्ड टर्म आपका ए प्लस का टू डी है, तो हम जनरली यही लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर सम में या सम दे रखा हो एपी का तीन नंबर का, चार नंबर का, पांच नंबर का, तो आई सजेस्ट कि ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस न लेकर आप कोई पर्टिकुलर नंबर ले, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा। देखिए अगर तीन नंबर कभी भी एपी में कंसिडर करने हो तो आई सजेस्ट कि आप पहला ए माइनस डी ए एन ए प्लस डी ले। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। इससे होगा क्या, अगर तीन नंबर एपी में है और क्वेश्चन में उसका सम दे रखा है तो जैसे इन तीन नंबर को ऐड करोगे तो थ्री आ जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया क्योंकि एक वेरिएबल कट गया, एक वेरिएबल चला गया, एक वेरिएबल में क्वेश्चन है तो आराम से आंसर आ गया। फिर आपको डी निकालने के लिए एक और इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, अगर आप ये यूज करते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी तो यहां पर दो वेरिएबल आएंगे सम करने पर, कितना हो जाएगा थ्री ए प्लस का थ्री डी, तो ए भी चल रहा है डी भी चल रहा है, और अगर आप ये कंसिडर करेंगे तो सीधा ए चल रहा है डी गायब हो जाएगा सम के अंदर। क्लियर है कि नहीं है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड अपीयरेंस अगर आप कंसिडर करेंगे तो उससे भी बात बन जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन इससे जल्दी तो सॉल्व होता है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, आपने तीन नंबर यहां पर ये लिए तो भैया इसका फर्स्ट टर्म आपके पास ए नहीं है, फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा कितना ए माइनस का डी, और आपका कॉमन डिफरेंस कितना है इसका डी। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ रही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपने ए नहीं लिया, फर्स्ट टर्म आपका ए माइनस का डी है, तो अगर आप ये तीन नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ए माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगर चार नंबर लेने हो, चार नंबर मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरे को सेलेक्ट करने हो तो मैं पहला लेता हूं ए माइनस का थ्री डी, फिर मैं लेता हूं ए माइनस का डी, फिर मैं लेता हूं ए प्लस का डी, फिर मैं लेता हूं ए प्लस का थ्री डी। सिमेट्रिक लेते हैं भैया, यहां पर कितने का गैप है दो का, यहां पर कितने का गैप है दो का, यहां पर कितने का गैप है टू डी का, तो यहां पर तीन टर्म्स चार टर्म्स अगर आप ये लेते हो तो इनका देखो सम करोगे तो माइनस थ्री से प्लस थ्री डी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस थ्री से प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सीधा सम करने पर फोर आ जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको कभी चार नंबर एपी में सेलेक्ट करने हो तो आई प्रेफर कि यही चार नंबर सेलेक्ट करें ताकि इससे बात आसानी से बन जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट विल बी ए माइनस का थ्री डी है, और कॉमन डिफरेंस जो है दैट विल बी टू डी है। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो भैया इसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस टू डी होता है। ये थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस टू डी है यहां पर, इसको अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो। मान लो अगर मैं पांच नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूं, फाइव नंबर को, तो क्या हो जाएगा ए माइनस का टू डी, ए माइनस का डी, ए ए प्लस का डी और ए प्लस का टू डी। ये सिमेट्रिक है, ये बीच का, बाकी सारे इधर और आजू बाजू के। लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, डी गायब हो जाएगा। लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा विद्यार्थियों, फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका ए माइनस का टू डी, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना है डी। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं सिमेट्रिक ऑर्डर में तो उनका कॉमन डिफरेंस डी होता है, लेकिन अगर आप इवन नंबर में लेते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है टू डी। लेकिन अगर मैं कहता हूं सिक्स नंबर सेलेक्ट करने, वैसे इससे ज्यादा सेलेक्ट करनी पड़ेगी नहीं फाइव से ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर सिक्स नंबर सेलेक्ट करना पड़ रहा है आपको तो क्या करोगे, ए माइनस का फाइव डी, ए माइनस का थ्री डी, ए प्लस ए माइनस का डी, ए प्लस का डी, ए प्लस का थ्री डी और ए प्लस का 5D। ये हो गया आपके पांच छह सिमेट्रिक नंबर्स। क्लियर हो गई ना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, एफटी बोल देता हूं, ये हो जाएगा ए माइनस का 5 इंटू डी, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2D। तो अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं और यही ऑर्डर ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 2D है और आपका फर्स्ट टर्म ये है, और यहां पर ऑड नंबर ले रहे हैं तो भैया यहां पर ए माइनस का 2D फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी चल रहा है। तो ऑड में कॉमन डिफरेंस डी चल रहा है और इवन में कॉमन डिफरेंस 2D चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं आपको इन दोनों को याद कर लो, अगर इसमें दो नंबर और ऐड करने हैं तो a माइनस का 5d और a प्लस का 5d ऐड कर देना। अगर आपको यहां पे दो नंबर और ऐड करने हैं तो यहां पे इससे एक कम और इससे एक ज्यादा, a माइनस का 2d, a प्लस का 2d, तीन तो है ही, सिमेट्रिक और आजू बाजू में इन्वॉल्व कर दो। क्लियर है कि नहीं है। चलिए इससे फायदा क्या होगा, बहुत फायदा है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर वन में बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स आर इन एपी, भैया पहले तीन नंबर एपी में है और उसका सम गिवन है 24। तो अगर मैं लेट एपी बी, अगर मैं कंसीडर करता हूं ए माइनस का डी, ए और ए प्लस का डी, क्लियर है कि नहीं, ए प्लस का डी, तो इनका सम मुझे 24 दे रखा है, दैट विल बी 3a। तीनों को आग लगाओगे तो ये 3 हो जाएगा, दैट विल बी 24। तो यहां पर ए की वैल्यू विद्यार्थियों 8 आ जाएगी, सीधा ही आ गया ना। अगर आप ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लेते तो भैया यहां पर ए और डी में एक रिश्ता आता, उससे बच गए।
आगे बोला है द प्रोडक्ट इज 384, मतलब a माइनस का d इंटू ए प्लस का d इंटू ए, ये दे रखा आपको 384। यहां तक कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? अब आपको पता है कि ये 8 है, ये लिखा हुआ है 8 स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू 384। बोलो विद्यार्थियों, यहां से 8 स्क्वायर मतलब 64 हो गया, माइनस का d स्क्वायर हो गया, अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो 4 और यहां पर आ जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। तो 8 टाइम्स ऑफ 384 होता है। अब यहां पे d स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो 64 माइनस का 48 कर दो, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 4। बोलो विद्यार्थी बात समझ में, d की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस का 4, क्योंकि 64 माइनस का 48 कितना होता है? 16। अब अगर आपको यह समझ में आया तो आप एक छोटी सी बात और समझिए कि आपको Sn चाहिए। तो यहां पर Sn निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज a माइनस का d, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं a को 8 लेता हूं और d को 4 लेता हूं तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस का d, दैट विल बी 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा? d है। इसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस आपका d है, ये वाला d। तो कॉमन डिफरेंस 4 ही है और फर्स्ट टर्म आपका a माइनस का 4 है, a माइनस का d। अब अगर Sn का फॉर्मूला चाहिए तो Sn क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू ap चल रहा है तो आपका n बाय 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म, एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस का n माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो Sn कितना हो जाएगा? n बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का n माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है? 4। तो बस आराम से आंसर आ जाएगा, ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो n हो जाएगा 4 प्लस का n इंटू 2 माइनस का 2, तो इट विल बिकम 2n प्लस का 2 इंटू n, दिस इज योर Sn। क्या विद्यार्थी बात समझ नहीं? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैंने d को 4 लिया, लेकिन एक और आंसर बन सकता है इफ, ये सेकंड केस, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द फर्स्ट केस, ये भी आपका आंसर होगा और ये भी आपका आंसर होगा, क्योंकि बोला नहीं इंक्रीजिंग एपीआई क्या है। तो अगर मैं a की वैल्यू 8 लेता हूं और d की वैल्यू मैं लेता हूं माइनस का 4, d की वैल्यू माइनस का 4, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a माइनस का d, दैट विल बी 12। तो क्या आंसर आएगा? n बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस का n माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट विल बी माइनस का 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 चला जाएगा और यहां पे 2 बचेगा। क्लियर हुआ विद्यार्थियों? तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2a, यहां पे a ध्यान रखना, a माइनस का d 4 था, तो यहां पे n, यहां पे हो जाएगा 12 प्लस का n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 14 माइनस का 2n इंटू n, ये दो आपके आंसर आ गए Sn के। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो दो ए निकले और दो, एक ए निकला और दो डी निकला, इसका मतलब फर्स्ट टर्म दोनों का अलग अलग हो गया। यहां पर ये हो जाएगा इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि डी क्या है? पॉजिटिव, और ये हो जाएगा डिक्रीजिंग क्योंकि डी क्या है? नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगर आपको ये समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27। किसकी बात चल रही है? एपी लिखना चाहिए यहां पे, ऑफ एन एपी, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज 27। तो लेट 3 टर्म्स विल बी a माइनस का d, a और a प्लस का d। इससे होगा क्या? जैसे ही आप इसका सम करोगे तो आपको वो 27 गिवन है और यहां पे 3 आ जाएगा 27, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। a की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब क्या बोला है? द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स की अगर अपन बात करें तो हो जाएगा a माइनस d का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का a प्लस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 293। अब बताओ a की वैल्यू आपको पता है, तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस का 2ad। खैर आपको इसका बचपन में टीचर ने फॉर्मूला बताया भी था कि a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर ही बताया होगा टीचर ने, और प्लस का ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 293। आइए स्पेस क्रिएट करें और फिर इसको सॉल्व करें। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। तो सोचो विद्यार्थियों, अगर 3 नंबर कंसीडर करने होते हैं आपको बार बार और उसका सम दे रखा होता है तो बेटर क्या है? a माइनस डी ए और a प्लस डी। और अगर 4 नंबर दे रखे होते हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस का 3d, उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2d, और उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a माइनस का 3d। तो यहां पर दे रखा है आपको कितना? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? प्लस का a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह मैं क्या रख देता हूं? a दे रखा है 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो ये हो जाएगा 81 इक्वल्स टू 293। तो ट्वाइस ऑफ 81 प्लस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस का 81। क्या बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 212, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 81 प्लस का d स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 81 प्लस का d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 106। तो d स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 106 माइनस का 81, तो d स्क्वायर आपका 25 आ गया, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई विद्यार्थियों।
अब क्या बोला है, फाइंड सीक्वेंस। अब अगर सीक्वेंस निकालना है तो ए की वैल्यू तो 99 और डी की वैल्यू 5 ले लो, तो पहला टर्म ए माइनस का डी, दूसरा टर्म ए और तीसरा टर्म ए प्लस का डी था, तो इसके अकॉर्डिंग 4 यहां पे 5 ऐड कर लो तो 9 हो जाएगा और यहां पे ए प्लस का डी हो जाएगा आपका 14। लेकिन अगर आप ए की वैल्यू 9 ले रहे हो और डी की वैल्यू अगर आप माइनस का 5 ले रहे हो तो पहला टर्म ए माइनस का डी आपका 14 आ जाएगा, ए आपका 9 है और ए प्लस का डी आपका हो जाएगा 4। क्या विद्यार्थी बात समझ में? यही सीक्वेंस है आगे जो बढ़ेगी। चलो दो क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर, आइए बात करते हैं आगे। दे रखा है द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी आर द रूट ऑफ दिस। तो फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगी, द फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगे, यहां पे करेक्शन कर लीजिए, द फर्स्ट टर्म नहीं, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी आर द रूट्स ऑफ दिस। अच्छा, वर्ड इंक्रीजिंग यूज किया, वर्ड इंक्रीजिंग का मतलब होता है डी ग्रेटर देन 0। किसी एपी का अगर डी पॉजिटिव होता है तो भैया जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा इंक्रीज करती होती है, कि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ा होगा, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से बड़ा होगा, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से बड़ा होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। अब क्या ये क्यूबिक इक्वेशन रखी है, और इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन ही रूट्स होते हैं, तो ये बोल रखा है कि जो तीन टर्म इंक्रीजिंग एपी के वो इसके रूट्स हैं। अब मेरे को तीन टर्म कंसिडर करना है क्यूबिक का, और क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स भी होता है। अब सम ऑफ रूट्स भी निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना था, सम ऑफ रूट्स सेकंड टू एट ए टाइम भी होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि तीन टर्म्स एपी में दे रखे हैं और वही इसके रूट्स है। इस इक्वेशन के रूट्स कौन है, एपी में है। 4x³ माइनस का 24 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 23 ऑफ एक्स प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को तीन रूट्स सेलेक्ट करने हैं, वो एपी में है, तो तीन रूट्स अपन ए माइनस का डी, ए और ए प्लस का डी लेंगे। विद्यार्थियों सोचो, क्योंकि मेरे को पता है क्यूबिक इक्वेशन में अगर तीन रूट्स अल्फा बीटा गामा होते तो उनका सम कैसे निकालते हैं। सम निकालते हैं माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो तीन टर्म्स अल्फा बीटा गामा मैंने ये ले लिए, a माइनस का डी, a और a प्लस का डी। तो आज अगर मैं बात करूं इनके सम की, तो इनका सम हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट विल बी माइनस का 24 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो सम हो जाएगा 3a इज इज इक्वल्स टू कितना, 6। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब a की वैल्यू अपनी 2 आ गई। अच्छा, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है बताओ SN क्या होगा। अब SN निकालने के लिए मुझे D भी चाहिए, तो क्यों ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के पास बन जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, A into A minus का D into A plus का D, और वो किसके बराबर होगा, माइनस का 18/4। तो A की वैल्यू 2 है, ये देखा 4 माइनस का D square equals to माइनस का 18/4, इसमें कोई डाउट किसी को। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इससे 9/2 टाइम्स, ये हो गया 9/2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 माइनस का डी स्क्वायर, ये 2 नीचे चला गया तो माइनस का 9/4 हो गया, डी स्क्वायर उधर चला गया, तो ये देखा 4 प्लस का 9/4, इट विल बिकम 25/4, तो डी आ जाएगा प्लस माइनस का 5/2। दोनों विद्यार्थियों, तो यहां पर डी की दो वैल्यू आई। तो अब SN भी क्या होता है, SN होता है n/2 into 2a प्लस का n माइनस का 1 into d। अब अगर d की वैल्यू, a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2, और d की वैल्यू आपने निकाली है 5/2, तो SN हो जाएगा n/2 into 2 into 2 4 प्लस का n माइनस का 1 इंटू 5/2। एक ऐसा नहीं आया, इसको सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे, और एक दे रखा है a2 है, तो d माइनस का 5/2 है, तो ऐसा हो जाएगा n/2 इंटू 4 प्लस का n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2। ये आपके दो ऐसा हो गए, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करिएगा, 4 माइनस का 5/2 प्लस का 5/2 ऑफ n, तो 4 माइनस का 5/2 करोगे तो 3/2 प्लस का 5n/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और फिर n/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका काम है, ये आपको करना है। क्या विद्यार्थी बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 की, कि किस तरीके से क्यूबिक अगर दे रखी है जिसके रूट्स एपी में दे रखे हैं, तो क्यूबिक दे रखी है तो भैया सम ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, तो मैं एपी के तीन नंबर्स ही कंसीडर कर लूं जिससे बात बन जाए। अगर आपको ये समझ में आया तो आइए स्पेस क्रिएट करें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, वैसे ही सेम पैटर्न है, कोशिश करिए आप लोग ट्राई करने की, और ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। क्यों, क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही पूछा है। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो आप बताओ मेरे को, If the roots of the equation this cubic है, R in AP, तो भैया इसके कितने roots होंगे, तीन roots होंगे, तो x³ minus का 12x square plus का 39x minus का 28 equals to 0 के तीन roots हैं, अल्फा बीटा गामा, तीन ही हो सकता है मैक्सिमम, और वो तीनों किसमें, AP में, तो a minus का d, a और a plus का d लेने में क्या जा रहा है। अगर आपने ये तीन नंबर ले लिए तो बताओ इनका सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स SOR कितना हो जाएगा, 3a, तीनों पे आग लगा दो, और यहां पे कितना हो जाएगा 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब a की वैल्यू से चुप नहीं हो रहा हो, वो क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस बता दो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के पास जाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इनटू a, क्योंकि इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो a माइनस d इनटू a प्लस d, a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इनटू a, और वो हो जाएगा बराबर किसके, 28 के। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इनटू 4 इक्वल्स टू 28, तो ये 7 टाइम्स चला गया, तो a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7, तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 16, और यहां पे 7 है, 16 माइनस 7 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 3। अगर ये बोलता है इंक्रीजिंग एपी
तो डी की वैल्यू 3 लेता। अगर बोलता डिक्रीजिंग एपी तो मैं डी की वैल्यू माइनस 3 लेता, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, तो दोनों ही आएंगे डी की वैल्यू प्लस माइनस 3। अगर ऑप्शन में 3 है 3 टिक करें, सिर्फ माइनस 3 है माइनस 3 टिक करें, दोनों है दोनों टिक करें, अगर कुछ कमेंट नहीं कर रखा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। क्या विद्यार्थियों चार प्रकार क्वेश्चन समझ में है? प्रकार ए की, लेकिन चार बार अपने एक ही चीज अप्लाई करिए, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का अपन और सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट डाउन। चार क्वेश्चन को अपन और देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, द रियल नंबर्स x1 x2 x3 सैटिस्फाइंग द इक्वेशन आर इन एपी, मतलब ये तीन नंबर्स जो है वो किसके हैं, एपी के, और इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये तीन नंबर्स जो है वो एपी में हैं और इसके रूट्स हैं, देन द रेंज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इक्वेशन x³ माइनस का x² प्लस का अल्फा x प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू 0 है, और इसके तीन रूट्स क्या है, x1 x2 और x3, जो कि इसको करते हैं सैटिस्फाई, और ये हो जाएगा a माइनस का d a और a प्लस d, क्योंकि तीन नंबर्स एपी में भी है। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं, अल्फा और बीटा की रेंज चाहिए, और अल्फा क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आइए दोनों एक एक करके निकालें। तो अगर मैं पहले सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। क्या बात यहां तक समझ में आई, 3a इक्वल टू 1 हो गया, a की वैल्यू क्या होगी 1/3। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस का a इंटू ए प्लस का d प्लस का a माइनस का d इंटू ए प्लस का d, विच इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो ये किसके बराबर है, अल्फा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का ए डी प्लस का a स्क्वायर प्लस का ए डी प्लस का a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू कितना, अल्फा। क्या यहां पर ये बात आपको समझ में आ रही है कि माइनस का ए डी प्लस का ए डी चला गया, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। क्या a की वैल्यू पता है मेरे को 1/9, तो यहां पर 1/3, तो a स्क्वायर हो जाएगा कितना 3 × 1/9 माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू कितना, अल्फा। तो यहां से विद्यार्थियों 1/3 माइनस का अल्फा इक्वल टू d स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब हमें अल्फा की रेंज चाहिए, क्लियर है कि नहीं है, और d स्क्वायर है, d स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब 1/3 माइनस का अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा माइनस का 1/3 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, तो अल्फा क्या रेंज क्या आ गई 1/3 से छोटा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहां पे अल्फा निकाला सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम से, ठीक उसी तरीके से आपको बीटा निकालना है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू a इनटू a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, तो बीटा हो गया आपका 1/3 और यहां पर आ जाएगा 1/9 माइनस का d स्क्वायर, बोलो सही है। तो ये हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 1/9 माइनस का d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू 1/9 माइनस का 3 बीटा। वापस से मैं कहूंगा कि d स्क्वायर है तो ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपको x1 x2 x3 क्या दे रखा है, रियल नंबर्स, तो d भी क्या होगा, रियल नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी भी 0 या 0 से बड़ी होगी, तो 1/9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 3 बीटा, तो बीटा आ जाएगा कितना लेस देन इक्वल टू 1/27। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फिर से सुनो, ये आपको दे रखा है रेंज ऑफ द अल्फा एंड बीटा, यहां पर आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो माइनस बीटा आएगा, तो ये माइनस बीटा होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, तो ये उधर जाके प्लस होगा, तो ये आपका आंसर यहां से चेंज होगा, क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यहां पे माइनस लगता है, तो यहां पे माइनस लगाया नहीं था, इसको वापस अपन सॉल्व करते हैं, तो यहां पे माइनस बीटा होगा, माइनस बीटा होगा, माइनस बीटा होगा, माइनस का 3 बीटा हो जाएगा जब आपने 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका d स्क्वायर इक्वल टू 1/9 प्लस का 3 बीटा हो गया, तो 3 बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/9 हो गया, तो बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/27 हो गया। ये है आपका आंसर विद्यार्थियों, ये वाला आंसर। तो b की रेंज क्या होगी, बीटा की रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/27, एंड अल्फा की रेंज होगी वो 1/3 है, 1/3 से छोटा। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि यहां पे d पर कमेंट करना है, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलो अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अपन स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं विद्यार्थियों। अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी आर इवन। हां, इसमें एक अच्छी बात यह है, कभी भी जीवन में नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी अगर इवन कंसिडर करने के लिए बोले तो आई सजेस्ट कि आप 12 टर्म्स ही कंसिडर करें। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो यहां पे लेट सपोज से टर्म्स विल बी t1 t2 t3 t4 करते 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 t2n। ये चीज ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, t1 से लेकर कहां तक जा रहा है, t2n तक जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। आगे बोला द सम ऑफ द टर्म्स एट द इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे कौन है, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड ये 2n टर्म, ये इवन प्लेस पे, द सम ऑफ द टर्म्स एट द इवन प्लेसेस 30, मतलब t2 प्लस का t4 प्लस का t6 प्लस का t8 करते 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 t2n, इससे पहले वाला इवन प्लेस क्या होगा, t2n माइनस का 2, इन सबका सम कितना दे रखा है 30, इन सबका सम कितना दे रखा है 30, द सम ऑफ टर्म्स एट द इवन प्लेसेस 30। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इफ द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 10.5,
देन द नंबर ऑफ टर्म्स, ये पूछा है। इफ द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म, तो यहां पर ये पूरी चीज दे रखी है। इसमें एक और स्टेटमेंट मिसिंग है कि द टर्म्स एट द ऑड प्लेसेस, इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, द सम ऑफ द टर्म्स एट द इवन प्लेसेस 30 एंड सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस इज -24। द सम ऑफ टर्म्स एट द इवन प्लेसेस इज 30 एंड द सम ऑफ द टर्म्स एट द ऑड प्लेसेस इज -24 इफ द लास्ट टर्म, इफ द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म बाय 10.5, बाय 10.5। अब जो भी निकालना है फाइंड एवरीथिंग, भैया सब कुछ ही निकाल लेंगे अब तो, अगर इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तब तो सब कुछ ही निकाल लेंगे। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसिंग था कि ये तो ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2n तक ले लिया, तो क्या बोला है द टर्म्स एट द इवन प्लेसेस इज 30, द सम ऑफ द टर्म्स एट द इवन प्लेसेस इज 30। अगर बोला है कि द सम ऑफ द टर्म्स एट द ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेस में कौन है t1, तो t1 प्लस का t3 प्लस का t5 करते 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 कितना t2n माइनस का 1, इससे पहले क्या आएगा t2n माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना माइनस का 24, ये अपने को दे रखा है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि अच्छा हाँ, इसको एक काम करते हैं प्लस 24 कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और आसान कर देते हैं, तो प्लस का 24 कर दिया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इसको, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t2 माइनस का t1। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ap में है तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा d, फिर ये भी d देगा t4 माइनस का t3। तो बताओ ये कितने टर्म्स है n टर्म्स, ये कितने टर्म्स है n टर्म्स, n टर्म्स इसके, n टर्म्स इसके, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो d मिल रहा है, तो कितनी बार d मिलेगा विद्यार्थियों, d मिलेगा n टाइम्स, तो n d की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई, n * d की वैल्यू कितनी आ गई 6। आगे क्या बोला है कि इफ द लास्ट टर्म एक्सीड, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज t2n, दैट विल बी a प्लस का 2n माइनस का 1 * d, एक्सीड द फर्स्ट टर्म a बाय 10.5। बोलो क्लियर है कि नहीं है, तो क्या यहां से a चला गया, तो ये हो जाएगा 2n * d माइनस का d इज इक्वल टू 21/2। बताओ n * d की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 12 माइनस का d इज इक्वल टू 21/2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, तो d आ जाएगा 12 माइनस का 21/2 दैट विल बी 3/2। तो d की वैल्यू अगर मेरी 3/2 है और n मेरा क्या है, n into d equals to 6 है, तो n into 3/2 equals to कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये आपका n की वैल्यू 4 है। अच्छा फाइंड एवरीथिंग में क्या क्या है ये देख लेते हैं, पहले नंबर ऑफ टर्म्स है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं पहले बात कर लेता हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने 2n है, n नहीं है, वैसे आप जनरल क्वेश्चन के अंदर क्या मानते हो n, लेकिन यहां पर कौन है 2n, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2n, That will be what? 8. अब तो बात ही खत्म हो गई, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 8। अगर मैं बात करता हूं Sn क्या है, तो Sn इसका क्या हो जाएगा, Sn will be equals to number of terms that will be 2n by 2 into 2 into a, a कितना है, a निकालना पड़ेगा यहां से, आप यहां से a भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में रखकर आप लोग a भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मैं, मेरे को दे रखा है t2 प्लस का t4 प्लस का t6, करते 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 t2n equals to कितना 30, ये मेरे को दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये दे रखा है a प्लस का d, ये रखा है a प्लस का 2d, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो जाएगा आपका सेकंड टर्म, दैट विल बी 3d, करते 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 ये इसका सम दे रखा है 30, और ये टर्म्स कितने हैं n, तो आंसर आएगा n by 2, जो कि n पता है मेरे को, 2 into a, तो 2a प्लस का 2d प्लस का n माइनस का 1, n भी पता है, और d कितना है आपका, वो भी पता है आपको, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 30, तो n कितना 8, 8 by 2, n कितना आपका 8, नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी हाँ, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 2n, दैट विल बी नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने थे 8, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, अगर ये t2 प्लस t4 प्लस t6 तक जा रहा है, तो n की वैल्यू अगर 8 है, तो ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा t8 तक, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 4, इस सीरीज के 4 टर्म्स हो जाएंगे, तो 4/2 2a प्लस का 2d प्लस का, यहां पर हो जाएगा 4 माइनस का 1 * 3 * d, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, यहां पे बचेगा 15, ये हो जाएगा 2a जो कि चाहिए, प्लस का 2d, d कितना है 3/2, तो 2d कितना हो जाएगा 3, प्लस का 3 * 3, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 3 12, तो यहां से क्या आ जाएगा 2a = कितना 15 माइनस का 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तो a की वैल्यू 3/2, d की वैल्यू 3/2, n की वैल्यू 4, तो यहां पर आपको जो भी चाहिए sn, इस सीरीज का sn अगर चाहिए, तो s2n कितना हो जाएगा 2n/2 into 2a plus का 2n minus का 1 into d, बोले यहां तक कोई दिक्कत, तो आपका 2a भी पता, आपको d भी पता, आपको सब पता, तो आपका आंसर भी पता। तो यहां पे वैसे क्वेश्चन तो सिर्फ यही था कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, लेकिन हमने सारी चीजें फाइंड आउट करी, लेकिन सारी चीजें फाइंड आउट करने में ध्यान रखना कि इस सीरीज के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8 है, तो भैया ऑड वाले में कितने हो जाएंगे 4,
इवन वाले में भी कितने हो जाएंगे चार, तो इसके भी चार टर्म, इसके भी चार टर्म है, तो इसमें चार टर्म है तो एन की वैल्यू कितनी होगी फोर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म ए नहीं है, ए प्लस का डी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो ये थोड़ी सतर्कता आपको क्वेश्चन के अंदर दिखानी पड़ेगी। आइए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर सेवन बोला द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है, एसएन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टीएन गिवन है, टीएन इज द एलिट टर्म बोल रखा है सीरीज का, और टी टू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है रूट ए माइनस का रूट बी अपॉन फोर, तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड ए प्लस बी भी कर लेते हैं, ए एंड बी तो ठीक है, ए प्लस बी भी और निकाल लेते हैं अपन। देखो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आपको SN का फॉर्मूला कितना दे रखा है विद्यार्थियों, SN which is equals to 1 plus का 2TN into 1 minus का TN, क्या विद्यार्थी यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो मैं किस तरीके से T2 तक पहुंचता हूं, T2 से पहले मैं T1 तक पहुंचूंगा, अगर मैं N की जगह 1 रखता हूं तो ये S1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 plus का 2T1 into 1 minus का T1, क्या इसमें कोई दिक्कत? बताओ S1 मतलब क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो S1 इज नथिंग बट व्हाट T1, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो 1 plus का 2T1 माइनस का टी वन माइनस का टू टी वन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट टी वन, तो ये वन प्लस का इन दोनों को ऐड करोगे तो टी वन आएगा, माइनस का टू इंटू टी वन स्क्वायर इक्वल टू कितना टी वन, टी वन से टी वन चला गया तो टू टी वन स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, तो टी वन स्क्वायर कितना हो जाएगा वन बाय टू, तो टी वन की वैल्यू क्या आएगी वन बाय रूट टू, मान लेता हूं वन बाय रूट टू, टर्म्स मान लो पॉजिटिव है, आपको दे भी रखा हैविंग द पॉजिटिव टर्म्स, हैविंग पॉजिटिव मतलब कि प्लस माइनस आता मैंने प्लस कंसिडर किया क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म्स दे रखा है, क्लियर है कि नहीं, नहीं तो दो केस बन जाते। अब अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं तो इट विल बिकम s2, ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 t2 into 1 माइनस का t2, तो s2 का मतलब क्या हो जाएगा t1 प्लस का t2, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 2t2 इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का t2 माइनस का 2t2 स्क्वायर, बोलो विद्यार्थी तो क्या यहां पे t1 प्लस का t2 आया इक्वल्स टू 1 प्लस का 2t2 माइनस का t2, तो ये हो जाएगा t2 माइनस का 2t2 स्क्वायर, बोलो सही है, तो T2 से T2 चला गया तो यहां पर क्या आएगा 2T1 2T2 स्क्वायर, 2T2 स्क्वायर को इस साइड लेके आ गया और ये जाएगा 1 माइनस का T1, तो T2 स्क्वायर इनटू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 बाय रूट टू, क्या बात सबको समझ में आ गई? तो अगर मैं एलसीएम लूंगा इसका तो हो जाएगा रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू, और ये जाएगा टी टू स्क्वायर इक्वल टू रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू इंटू टू, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो हो जाएगा कितना 2 माइनस का रूट टू डिवाइडेड बाय कितना 4, तो ये हो जाएगा रूट ओवर फोर माइनस का रूट ओवर टू बाय फोर, क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब टी टू स्क्वायर आपको दे रखा है रूट ए माइनस का रूट बी बाय फोर, और ए और बी नेचुरल नंबर है तो बताओ कंपेयर करके ए की वैल्यू क्या आई फोर, बी की वैल्यू क्या आई टू, और ए प्लस बी क्या है आपका ए प्लस बी आपका सिक्स आ गया, क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको सम का क्वेश्चन सॉल्व करना था, अगर आपको टर्म दे रखा है तो एन की वैल्यू वन और टू प्लग इन करके अब यहां तक टी टू के स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट की, क्वेश्चन नंबर एट में क्या कहता है ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन द डिग्री मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल्स का सम है एंगल्स है वो एपी में है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आप तो ये ध्यान रखो कॉन्वेक्स पॉलीगन में इन कॉन्वेक्स पॉलीगन पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री वेयर n रिप्रेजेंट्स साइड्स, n क्या रिप्रेजेंट करता है साइड्स रिप्रेजेंट करता है। फिर से सुनो कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, n क्या रिप्रेजेंट करता है साइड, जैसे ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री एंगल्स का, तो अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं तो 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 1 1 इंटू 180 डिग्री तो आया ना, वैसे ही अगर आप 4 रखोगे तो 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360, तो भैया आप स्क्वायर ले लो या कोई सा भी आप फोर्थ साइड का पॉलीगन ले लो उसमें हमेशा इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बचपन में आपको बता भी दिया होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में द डिग्री मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म इन एपी, स्मॉलेस्ट एंगल रखा है 159, मतलब इंटीरियर एंगल्स जो है किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में साइड्स एन मान लो तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे के सारे एपी फॉर्म कर रहे हैं जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन है 159। अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल है डिग्री में मेजर्ड है तो अगला क्या होगा 159 डिग्री प्लस का डी, ये भी डिग्री में होगा डी, फिर अगला क्या होगा 159 डिग्री प्लस का 2d, तो कितने टर्म्स में मान रहा हूं एन टर्म्स मान रहा हूं, तो 159 डिग्री प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है द लार्जेस्ट एंगल इज 177 डिग्री, मतलब ये लार्जेस्ट एंगल हुआ क्योंकि मैंने एन टर्म्स माने तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा और इसकी वैल्यू क्या रखी 177, बोलो हाँ या ना। अब क्या ये अगर इंटीरियर एंगल्स है
तो इनका सम निकाल सकता हूं, वो सम किसके बराबर होगा, n बाई टू इंटू टू इंटू 159 डिग्री प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? लेकिन ये सम ऑफ n इंटीरियंगल्स हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के n इंटीरियंगल्स का जो हमेशा सम होता है वो क्या होता है, n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब धीरे धीरे मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लूंगा, लेकिन इतने पार्ट से तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक इंफॉर्मेशन भी तो दे रखी है कि फर्स्ट टर्म आपका ये है, तो इसको तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन लास्ट टर्म ये है, इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया। तो 159 डिग्री प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखा है 177, तो क्यों ना n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 177 माइनस का 159 कर दूं। बोलो हाँ या ना? तो 17 में से गया तो कितना बचा, 9 गया, तो ये हो जाएगा 8, और यहां पर एक चला गया तो 18, तो n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई विद्यार्थियों, 18 आ गई। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अगर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 18 है तो मैं यहां पर रख देता हूं, तो Sn कितना हो जाएगा, n बाई टू इंटू टू इंटू 159 डिग्री प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की जगह मैं 18 रख देता हूं विद्यार्थियों, ये 2 से 2 गया, ये 9 गया, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Sn कितना हो जाएगा, ये पूरा Sn ही है, तो ये हो जाएगा n इंटू 159 प्लस का 9, 159 प्लस का 9 होता है 168 is equals to n into 180 minus का 360 बचा, ये 360 इधर आ गया, n into 180 minus का n into 168 हो गया। अगर आप देखोगे तो ये 12n हो गया, तो ये 360। बोलो सही कि नहीं? तो n की वैल्यू क्या आ गई, 30, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने, 30 है, नंबर ऑफ साइड्स कितने, 30, देन नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज 30, 30 साइड्स है उस पॉलीगन के अंदर। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए, इफ द एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज नॉन जीरो, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 3n टर्म्स इज इक्वल्स टू द नेक्स्ट n टर्म्स। देखो क्या क्या बोला है, कि पहले 3n टर्म्स तक का सम जो है वो अगले n टर्म्स तक के सम के बराबर है। जैसे मैं बोलता हूं t1 t2 t3 करते 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 t3n, तो ये 3n टर्म्स तक का सम, पहले 3n टर्म्स तक का सम ये किसके बराबर दे रखा है, अगले नेक्स्ट n टर्म्स तक के सम। तो अगले नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगा तो 3n प्लस 1 होगा, उसका अगला कितना हो जाएगा 3n प्लस का 2, करते 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 n टर्म लिखने हैं, इसके बाद n टर्म और लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा 3n प्लस का n। क्या विद्यार्थी बात समझ में? तो बोला है कि पहले से लेकर 3n टर्म्स तक का सम, तो क्या मैं बोल दूं t1 प्लस का t2 करते 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 कितना t3n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा t3n प्लस 1 से लेकर t3n प्लस का n तक। तो पहले n टर्म्स तक का सम बराबर है अगले नेक्स्ट n टर्म्स तक के सम के बराबर, तो 3n टर्म्स तक का सम अगले नेक्स्ट n टर्म्स तक के सम के बराबर है। लेकिन यहां पे तो मैं Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि 1 से चालू है, यहां पर नहीं लगा पाएंगे ना, मतलब आपको ये दिख रहा है दिस इज S3n, लेकिन आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं दिस इज नॉट Sn, ये Sn नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर फर्स्ट टर्म आपका T1 नहीं है, तो T1 से अगर चालू करोगे तो आप इसको लिख सकते हो S4n, लेकिन हमारे पास यहां पे n टर्म्स तक का सम ही लिखा हुआ, लेकिन फर्स्ट टर्म आपका ही हो जाएगा। फर्स्ट टर्म अगर आप इसको कंसिडर करते हो, कॉमन डिफरेंस तो डी ही रहेगा जो इसमें था, लेकिन फर्स्ट टर्म आपका ही हो जाएगा, तब जाके एन टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसमें T1 से लेकर T3n तक तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी गाड़ी चला रहा हूं T1 से लेकर T3n में एड कर रहा हूं, किसमें T3n प्लस 1 से T4n तक में, इसमें अगर मैंने ये एड किया तो मैं वापस से सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं T1 से लेकर T3n। बोलो कोई दिक्कत? इससे फायदा मेरे को ये मिला कि मैं सीधा इसको बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट S4n सम ऑफ फर्स्ट 4n टर्म्स माइनस का S3n सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, और ये भी लिखा हुआ है S3n, तो ट्वाइस ऑफ S3n इज इक्वल्स टू S4n। बोलो हाँ या ना? अब इसका फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस का 1 इंटू डी। बोलो विद्यार्थियों, और यहां पर हो जाएगा 4n बाय 2 इंटू 2a प्लस का 4n माइनस का 1 इंटू डी। n बाई 2 से n बाई 2 गया, ये 2 से ये 2 टाइम्स गया, 3 इंटू 2a 6 से प्लस का 3 इंटू 3n माइनस का 1 इंटू डी, ये हो जाएगा कितना 4a प्लस का 2 इंटू 4n माइनस का 1 इंटू डी, तो 6 से माइनस का 4a कितना बचा 2a, और ये उधर चला गया तो d कॉमन आ गया 3 इंटू 3n माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू 4n माइनस का 1। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू d इंटू 3 9n माइनस का 8n, तो ये n बचा, माइनस का 3 प्लस का 2 तो ये माइनस का 1 बचा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 2a की वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी आई। विद्यार्थी यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, ये रिश्ता हमें आगे किसी क्वेश्चन में काम में आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ लिखना भूल गए, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स टू द नेक्स्ट 2n टर्म्स, मतलब t1 से लेके t2n तक का सम डिवाइडेड बाय t2n प्लस 1 से लेके t4n तक का सम। लेकिन यहां तो मैं लिख सकता हूं s2n क्योंकि t1 से चालू है, तो क्यों ना अपन एक चालाकी कर रहे हैं, t1 से लेके t2n तक लिखा हुआ है, और यहां पर t1 से लेके अगर मैं t2n ऐड करूं किसमें t4n तक में, तो मैं पीछे सबट्रैक्ट भी कर लेता हूं t1 से लेके t2n,
इससे होगा क्या फायदा, ये ऊपर वाले लिखा हुआ S2N, नीचे वाला लिखा हुआ S4N, यहां से लेकर यहां तक माइनस का S2N। अब बताओ 2N by 2 into 2A plus का 2N minus का 1 into D, बोलो। और ये देखा 4N by 2 into 2A plus का 4N minus का 1 into D, क्लियर हुआ, माइनस का 2N by 2 into 2A plus का 2N minus का 1 into D। इसमें कोई डाउट, N by 2, N by 2, N by 2 से गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 into, अच्छा ये 2 भी काट देते हैं, 2 ये 2 times बचा, ये गया, तो यहां पे क्या बचा ऊपर 2A plus का 2N minus का 1 into D, और नीचे क्या बचा 2 into 2a, तो it will become what? 4a plus का 2 into 4n minus का 1 into d, minus का 2a minus का 2n minus का 1 into d। तो अब देखो, सोचो, ये लिखा हुआ है ऊपर 2a plus का 2n minus का 1 into d, और विद्यार्थी 4a minus का 2a कितना बचेगा? 2a plus का, this minus का this करूँगा, तो this will be what? d common निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 8n minus का 2n 6n, minus का 2 plus का 1, तो minus का 1 into d। अब बताओ आपने रिश्ता निकाला d क्या है, d into n minus 1 2, तो यहां पर d into n minus का 1 plus का 2n minus का 1 into d, और नीचे क्या आएगा d into n minus का 1 plus का d into 6n minus का 1, ये दो बार d लिख दिया अपने, d common निकाल के काट दे, तो ये हो जाएगा n minus का 1 plus का 2n minus का 1 upon में n minus का 1 plus का 6n minus का 1, clear हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां पर आ जाएगा 3n minus का 2 upon ये हो जाएगा 7n minus का 2। कुछ त्रुटि हुई है, कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, उसको अपन देखते हैं। ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा कितना 9n और ये 8n, तो बचा कितना, बचा आपका 2a। हाँ, अब देखो ये जब आपने उधर भेजा या ये उधर भेजा तो ये माइनस का 2a होगा, यही त्रुटि है, यही त्रुटि है, ध्यान रखना है कि यहां पर 6 से माइनस का 4a तो 2a आया, तो आपने ये उधर भेजा, ये अगर आपने उधर भेजा तो माइनस का होना चाहिए, या आपने इसको यहां रखा, इसको यहां भेजा, तो ये माइनस का 2a होगा, तो ये माइनस टाइम्स होगा, तो यहां पर ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का n प्लस का 1 प्लस का 2n माइनस का 1 अपॉन में माइनस का n प्लस का 1 प्लस का 6n माइनस का 1, माइनस 1 से प्लस 1 गया, प्लस 1 से माइनस 1 गया, ऊपर n बचा, नीचे 5n बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, यही 1/5 आपका रेशियो है, यही आपका आंसर है। तो ध्यान रखें प्लस 1 से गलती ना हो ताकि बात बन जाए, तो माइनस का 2a बचेगा विद्यार्थी यहां से, जिसकी वजह से आपका आंसर n के टर्म्स में आ रहा था, n से आजाद है ये आंसर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, ये थे कुछ और क्वेश्चन सम के n टर्म्स के, नेक्स्ट वापस से अपन n टर्म्स के कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अपन थोड़ा सा और आर्टिकल आगे चलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।